तो आज का मंडे का ट्रेडिंग सेशन था, मार्केट क्लोज हो चुका है और अभी हमें एशियन पेंट्स की तरफ से दो बड़ी अपडेट्स आते हुए देखने मिल रही है, नॉट ऑफिशियली फ्रॉम एशियन पेंट्स बट द अपडेट्स आर रिलेटेड टू एशियन पेंट्स एंड येट मैं आपको बहुत सारी चीज़ें भी इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। सो दिस इज दी वन शॉट वीडियो डेट यू विल हैव टू वॉच इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट एशियन पेंट्स एंड इवन अगर आपका इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं है, इवन इफ यू डोंट होल्ड एनी ऑफ द शेयर्स ऑफ एशियन पेंट्स, येट यू हैव टू वॉच दिस वीडियो। वाई? बिकॉज एशियन पेंट्स इज अ वेरी बिग कंपनी एंड अगर इसे कुछ होता है सो कुछ ना कुछ आपके कंपनी के ऊपर भी इफेक्ट आ सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। सारी जो इंडस्ट्रीज हैं, मेजर इंडस्ट्रीज, आईटी ले लो, बाकी सारी इंडस्ट्रीज ले लो, सब पे कंपैरिजन हम वीडियो के लास्ट में करेंगे। अभी हम सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी बेसिकली आपको पता है 2% ये स्टॉक गिर चुका है लेकिन इसके अंदर फ्रेश बाइंग भी इमर्ज हुई थी, तो इसके अंदर ये बाइंग कौन कर रहा है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन बाद में करेंगे। लेकिन फॉर दोज पीपल हु आर न्यू इन दिस चैनल उसे मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ। एक विसल ब्लोअर जो है उन्होंने सेबी को बताया। अब ये विसल ब्लोअर क्या होता है, कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉई होता है जिसे लगता है कि मैनेजमेंट में कुछ घोटाला चल रहा है तो वो जाके सीधा सेबी को बताता है कि ऐसा ऐसा चल रहा है। बट अगर वो एम्प्लॉई को लगता है कि एम्प्लॉईज के अंदर यानी उसके सीनियर्स के अंदर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो जाकर जो बड़े मेंबर्स है उन्हें इन्फॉर्म करता है। सो लेकिन विसल ब्लोअर जो है उसे जनरली एक बंदा रहता है उसे विसल ब्लोअर कहा जाता है, उसे जनरली ये नहीं कहा जाता है कि नाम डिस्क्लोज नहीं होता है। आपने स्कैम 1992 में तो देख लिया था। सो वी विल बी डिस्कसिंग एंड टेकिंग द नेम ऑफ विसल ब्लोअर। सो दोस्तों विसल ब्लोअर ने क्या किया, उसे ऐसा लगा सो उसने जून और जुलाई के महीने के अंदर दो लेटर लिखे सेबी को एंड सेबी को ये इन्फॉर्म किया कि कुछ ऐसा हो रहा है कि पलादिन पेंट्स, जो पलादिन पेंट्स का इनका पहले से एशियन पेंट्स और पलादिन पेंट्स के ऊपर दोनों का बहुत ज्यादा ट्रेडिंग चलती थी, अभी क्या हुआ पलादिन पेंट्स को एशियन ये हमारे जो प्रमोटर है अश्विन धनी जी ने इसे बाय कर लिया। सो अभी अश्विन धनी उनके प्रमोटर दिख रहे पलादिन पेंट्स के। सो जो कहना है, एलिगेशन है कि जो पलादिन पेंट्स को उन्होंने बाय किया है, प्रमोटर अश्विन धनी बन चुके हैं। सो अश्विन धनी ने खुद के नाम पर वो कंपनी एक्वायर की है लेकिन जो पैसा है वो कहां से आया, वो ऑब्वियसली एशियन पेंट्स के शेयर होल्डर का लगाया था तो ऐसा कहा जा रहा है। दोस्तों पिछली बार आपको इंफोसिस और यूपीएल के अंदर भी देखने मिला था ये सारी चीजें और इंफोसिस तो देखिए उसके अंदर उसको क्लीन चिट मिल गई एंड आज वो इंफोसिस किधर है। लेकिन ये एलिगेशंस आपको पता है इंफोसिस के सीईओ पे लगे थे एंड सीईओ पर लगना इस ओके ज्यादा बड़ी बात हो जाती है बट प्रमोटर वो सीईओ से एक बड़े ओहदे पर रहता है, प्रमोटर यानी वो कंपनी का एक हिस्सा रहता है एंड वही कंपनी के हिस्से को कुछ हो जाए सो कंपनी विल कोलैप्स। सो एशियन पेंट्स में अभी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कंपनी बहुत बड़े लेवल पर है, आप देख सकते हो मार्केट कैपिटलाइजेशन भी 2,80,000 करोड़ का है, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी, बड़ी कंपनी और फाइनेंशियली सेफ कंपनी मानी जाती है लोगों की। आप ऊपर स्ट्रिप भी देखोगे बीएससी और एनएससी में सबसे पहले नाम एशियन पेंट्स का ही आता है जो स्ट्रिप घूमते रहती है बिकॉज इट स्टार्ट्स विद ए और अपने सेक्टर में 60% मार्केट शेयर हासिल किया हुआ है। अगर हम बात करें इसके बारे में सो जून और जुलाई को ये विसल ब्लोअर ने ये लेटर्स दो दो सेबी को लिखे थे एंड सेबी ने कंपनी को इन्फॉर्म किया था बट कुछ आया नहीं था उनकी तरफ से रिप्लाई। फिर बाद में अभी सेबी ने ये न्यूज़ आउट कर दी थी सैटरडे को लेकिन हमें 24 तारीख को जो कंपनी है उनकी तरफ से ऑफिशियल बयान आते हुए देखने मिला कि हमारी तरफ से तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है एंड वी आर क्लीन। सो दोस्तों दोनों तरफ से हमें एक बराबर का बैटल देखने मिल रहा है विसल ब्लोअर की तरफ से कि इन पर एलिगेशन है एंड इनकी तरफ से कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है। दोनों लोग अभी ठीक है, कोई किसी के ऊपर भी एलिगेशन लगाने की अभी जरूरत नहीं है एंड ये इमेंस बाइंग जो निकल कर आ रही है शायद रिटेलर्स ने इसे नहीं किया है, कोई बड़े प्लेयर ने इसके अंदर एंट्री ली है। अब ये तो हमें स्टैट्स पर नहीं दिखेगा बिकॉज 1% से ज़्यादा की एंट्री नहीं ली है एंड अगर ली भी होगी तो वो हमें क्वार्टर के एंडिंग में दिखेगा बट अगर हम अभी देखें तो ये पूरी फाइल आप आकर पढ़ सकते हो और ये पूरा जो इनका डिटेल है बिजनेस लाइन पर आकर आप पढ़ सकते हो। अभी मैंने आपको बस एक ओवरव्यू दिया है और ये अश्विन धानी जी है, आप ये देख सकते हो बहुत टाइम से इन एशियन पेंट्स चल रही है। अभी दोस्तों सबसे ज़्यादा फायदा डेफिनेटली बोजो पेंट्स को होगा तो ये इंडिया के टॉप 50 रिचेस्ट इंडियंस के अंदर आते हैं सो उनके बेटे और उन पर ये एलिगेशन लगे हैं सो कुछ ना कुछ ज्यादा ही इंपैक्ट पड़ सकता है अलग अलग जगह पर भी। दोस्तों ये इंपैक्ट आने के बाद ये जो अपडेट आपको बता रहा था मैं आज जिसके लिए आप अभी तक वीडियो में बने हुए हो जिसे ये सारी अपडेट्स पता थी जो स्टार्टिंग का ब्रीफ उसके लिए अभी अपडेट्स का सेशन चालू हो रहा है और फिर लास्ट में उनके लिए भी बात करेंगे जिसने एशियन पेंट्स में अभी तक कुछ बाइंग नहीं किया
की है और करना भी नहीं चाहता है, लेकिन वो किसी और स्टॉक अपने कंपनी को के बारे में जानने के लिए आया है। सो दोस्तों क्या है ना ब्रो, जैसे ही एशियन पेंट्स की न्यूज़ आई, अभी ये कई सारे ब्रोकरेज हाउसेज ने एशियन पेंट्स के ऊपर अपने जो टारगेट्स है उन्होंने टारगेट्स हाई सेट करके रखे थे, अभी उनके लगता है कि ये शेयर नीचे जाएगा एंड उन्होंने इस स्टॉक को प्रेशराइज में करवाने के लिए तो नहीं, लेकिन जो उनके हिसाब से ये शेयर के जो टारगेट्स है वो नीचे के हैं, सो उन्होंने अपने टारगेट्स कट कर दिए और उन्हें लगता है कि स्टॉक अंडर प्रेशर रह सकता है। अगर हम बात करें जो पहले बड़े ब्रोकर की, सो जो टारगेट गिवर था और ब्रोकर रिसर्चर था मोतीलाल ओसवाल, उन्होंने टारगेट न्यूट्रल दिए हैं। अभी जो एशियन पेंट्स का 2930 का निकल कर आ रहा है और अभी एग्जैक्ट वैल्यू एशियन पेंट्स की आप यहां पर देख सकते हो 2923। सो मतलब उन्होंने एक न्यूट्रल सी वैल्यू दी है, उन्हें लगता है कि ना तो ये नीचे जाएगा और ना तो ये ऊपर आएगा, जिसकी वजह से इसके अंदर ऐसे कई बड़े बड़े लोग इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं, या फिर हमें क्या पता कि इसके अंदर किसी रिटेलर्स ने ही बहुत सारी क्वांटिटी उठा ली है, यानी बहुत सारे रिटेलर्स ने मिलकर एक ही जगह पर इसके अंदर बाइंग कर दी, ऐसा भी हो सकता है, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर हो सकती है। सितंबर क्वार्टर के रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू के अंदर हमें 32% की ग्रोथ देखने मिली, नेट इनकम थोड़ी सी प्रेशराइज में और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी प्रेशर में है। अगर हम देखें तो एशियन पेंट्स का जो ये है डिमांड है आने वाले टाइम में, इसका जो सेल्स है ठीक है वो तो अगर हमें कॉन्स्टेंट स्पीड से बढ़ता हुआ देखने मिल सकता है, बट अदर फैक्टर्स ऐसे इंक्लूडेड है अदर फैक्टर्स में जो एशियन पेंट्स को आने वाले टाइम में ग्रोथ मोड में ला सकता है। अगर हम सेल्स को ना देखते हुए सीधा नेट प्रॉफिट को देखें या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी देखें, तो फिर हमें एक्सपेंडिचर कम होने की वजह से हमें इसका नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट दोनों ही बढ़ते हुए देखने मिल सकता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल की वजह से जो पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने वाले हैं, पेट्रोल और डीजल कहां से बनता है? क्रूड ऑयल से। अब जब पेट्रोल और डीजल का जो डिमांड है वही कम हो जाएगा, सो क्रूड ऑयल ज्यादा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं होगा, जिसके कारण उसके जो प्राइसेस है वो कम होंगे एंड उसके प्राइसेस कम होने की वजह से हमारे एशियन पेंट्स को फायदा कैसे होगा? क्योंकि देखिए पेंट्स में एक मेजॉरिटी ऑफ द रॉ मटेरियल वो क्रूड ऑयल से लगता है, सो पेंट्स को बनाने के लिए क्रूड ऑयल का बड़ा इस्तेमाल होता है। प्लस जो जिनके पास पहले से ही गाड़ियां हैं और जिन्होंने हाल ही में 2-3 साल पहले गाड़ियां ली है, वो भी डेफिनेटली अपनी गाड़ियों को चेंज कराने की कोशिश करेंगे। सो चेंज कराने की कोशिश करने के अंदर उसके अंदर वो जो पेंट्स लगते हैं ना गाड़ियों के अंदर, वो भी एशियन पेंट्स सप्लाई करती है। जो ये कॉन्सेप्ट है वो इंडिगो पेंट्स ने लाया था और नेरोलैक ने भी लाया था, लेकिन फिर बाद में ये बड़ी बड़ी कंपनीज ने उस चीज को जो है चालू कर दिया, क्योंकि उन्हें नोकिया का केस पता है। नोकिया ने 3 बार रिजेक्शन किया, माइक्रोसॉफ्ट को रिजेक्शन किया, एप्पल को रिजेक्शन किया, एंड्रॉइड को रिजेक्शन किया, और उसकी वजह से नोकिया अभी बहुत ज्यादा स्ट्राइव कर रहा है अपने एग्जिस्टेंस को रखने के लिए। उसी वजह से आजकल जो भी ट्रेडिशन मार्केट के अंदर आता है सारी बड़ी कंपनीज उसको फॉलो तो नहीं करती है, लेकिन आप देख सकते हो उसको बराबर से अच्छी स्टडी होती है, उसके ऊपर निग्लेक्शन नहीं होता है, एंड फिर अगर वो सही है उसका फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है, सो डेफिनेटली दे ऑप्ट दैट थिंग। सो अभी हर एक के बिजनेस के अंदर ये सारी चीजें आ चुकी है। अगर हम बात करें इसके रॉ मटेरियल की प्राइस तो कम होगी, सो जिसके कारण इसकी स्टॉक की प्राइस भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल की प्राइस कम होगी सो एक्सपेंडिचर कम होगा, और सेल्स तो इक्वली है सो एक्सपेंडिचर कम हो गया तो नेट प्रॉफिट जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा एंड हमें नेट प्रॉफिट भी ग्रेजुअली इंक्रीज होता हुआ देखने मिलेगा आने वाले कुछ 5 से 10 साल के अंदर। एंड वहीं पर हमारा पिक्चर में आता है इसका स्टॉक, तो स्टॉक की प्राइस का फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है, बट अगर हम अभी फिलहाल देखें तो इसका जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है वो बोर्जो पेंट्स और इंडिगो पेंट्स को हो रहा है। अगर हम देखें तो ये साइन ने कहा पेस ऑफ प्राइस हाइक विल इंक्रीज इन Q3। सो दोस्तों Q3 के अंदर इनकी जो प्राइस है वो हाइक हो सकती है, जिसके कारण हमें स्टॉक की प्राइस के अंदर भी इंक्रीमेंट आते हुए देखने मिल सकता है। इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते तो हमें 15% की ग्रोथ आते हुए देखने मिल सकती है इसके Q3 के अंदर, जिसके कारण भी एक कारण हो सकता है जो ये स्टॉक को ऊपर ले जाने के लिए सफिशियंट हो। सो इस स्टॉक को ऊपर ले जाने के लिए शायद ये भी एक मोटो हो सकता है कि वो एक Q3 का भी उन्होंने एक ओवरव्यू दे दिया, जिस तरह से उनकी प्रॉफिट मार्जिन कम है उस प्रकार से आने वाले टाइम में अपने प्रॉफिट मार्जिन को इंप्रूवमेंट जरूर की जरूर करेंगे। अगर हम बात करें तो एशियन पेंट्स ने न्यू आइटम्स पे क्लेरिफिकेशन दिया जो मैंने इसी वीडियो के अंदर आपको बता दिया, सो उसके ऊपर भी आप नजर रखकर चल सकते हो। अगर हम देखें जैसे ही न्यूज बाहर आई मीडिया हाउसेज ने उसे कवर किया एंड वो कवर करने के बाद 4% का डाउन साइड तो सीधा ही वो एशियन पेंट्स के अंदर लग गया। सो ये आर्टिकल भी आप पढ़ सकते हो, IIFL का है, आप यहां से इसको भी रेलेवेंसी ले सकते हो।
अगर हम देखें तो ये मैटर थोड़ा सा ज़्यादा ही चल जाता है और आने वाले टाइम में इसके अंदर एक गिरावट भी आ जाती है। सो आप ये देख के चल सकते हो कि उसकी डिविडेंड की गिरावट तो नहीं है, क्योंकि डिविडेंड भी कंपनी ने अनाउंस किया है। सो डिविडेंड की भी एक गिरावट उसके अंदर आ सकती है, गिरावट नहीं लेकिन 3 रुपये का उसके अंदर एक नॉर्मल सा नेगेटिव मोमेंट आ सकता है, यानी 3 रुपये वहाँ से निकल सकते हैं। तो आप उसको कंसिडर करके चल सकते हो। आपको डिविडेंड मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है, क्या आप उतना होल्ड कर सकते हो, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाइंग इमर्ज हुई है, अगर आप देखो सो 417 क्वांटिटी इसके अंदर बाइंग को लगी है। मैं अभी 4:30 को वीडियो बना रहा हूँ, जिसके कारण हमें इसके अंदर एग्जैक्ट वैल्यू तो देखने नहीं मिल रही है, लेकिन अगर हम ओवरव्यू ले ले सो 20 लाख की क्वांटिटी ट्रेड हुई है, उसके सामने 45% की डिलीवरीज लोगों ने उठाई है, यानी गिरावट के बाद भी लोग माल उठा रहे, जिसके कारण हमें इसके अंदर आने वाले टाइम के अंदर जो अपर सॉकेट है वो अपर सॉकेट तो नहीं लेकिन अपर मोमेंट आते हुए देखने मिल सकता है। अगर हम बात करें तो ये डेरिवेटिव्स कोटा के अंदर भी ये है, सो इसके ऊपर आप देख सकते हो कि लोग जो ऑप्शन मार्केट चेन है उसको आप एनालाइज कर सकते हो, और आप एक पेपर ट्रेड लेकर भी देख सकते हो कि किस प्रकार से हमें इसके अंदर मूवमेंट देखने मिल रही है और किस प्रकार से लोग पैसा बना रहे हैं। इवन इफ यू डोंट हैव मनी यू कैन पुट इट इन योर पेपर बैंक अकाउंट, वो आपको फ्री ही मिल जाएगा एंड वहीं पर आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस गेन होते हुए देखने मिलेगा। अगर आपका लॉस हो गया सो वो आपका लर्निंग हो जाएगी और वही पेपर ट्रेडिंग में, और उसके अंदर आपका असली पैसा तो जा नहीं रहा। प्लस अगर आपको इसके अंदर प्रॉफिट हो रहा है सो वो प्रॉफिट पर आप रिग्रेट नहीं करोगे और आने वाले टाइम में आपको और लर्निंग मिलेगी कि यस मैं ये कर सकता हूं, कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना नहीं है हमें, हमें मार्केट के सहारे से चलना है। और सबसे ज्यादा फायदा अगर हम देखें सो पीयर कंपैरिजन के अंदर सबसे ज्यादा फायदा हमें बोजो पेंट्स और इंडिगो पेंट्स को होते हुए देखने मिल सकता है, जिसका यहां पर पीयर है नहीं, लेकिन अभी हम कंपेयर विद पीयर किसी और स्क्रीनर से करते हैं। सो यहाँ पर देखिए बोजो पेंट्स का भी हालत देख सकते हो और इंडिगो पेंट्स को भी आप यहाँ पर स्टडी कर सकते हो। अगर आप देखो तो बोजो पेंट्स सेकंड नंबर पर है, एंड बोजो पेंट्स की अगर हम डेट भी देख लें, डेट कंफर्म कर सकते हो आप यहाँ पर, 1 मंथ का है और ये 1 मंथ के अंदर आपको 22 का देखने मिल रहा है। सो इसके अंदर भी एक नेगेटिविटी देखने मिल रही है, लेकिन अगर हम देखें तो सेंसेक्स इसके अंदर हमें पॉजिटिव देखने मिला। आज का मार्केट क्यों पॉजिटिव था, जिसके कारण हमें इसके अंदर थोड़ी सी नेगेटिविटी देखने मिली। अगर आप देखो सो निफ्टी भी आपको पॉजिटिविटी के अंदर क्लोज होते हुए देखने मिला, जिसकी एक और एक रीज़न है कि अगर आप देखो सो हमारे ICICI बैंक का रिजल्ट आया था और हमारे SRF का भी रिजल्ट आ गया है। सो दोनों के आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, डेफिनेटली यू कैन गो एंड चेक देम आउट। अगर हम देखें सो बोजो पेंट्स आपको इधर से थोड़ा सा इस प्रकार का मूवमेंट दे रहा है, जिस जैसा इसने पहले भी दिया था, इधर भी एंड स्टिल योर। सो दोस्तों इसके अंदर कभी भी अपसाइड आ सकती है। ये भी एशियन पेंट्स जैसा मूव कर रहा है, नो वन हैज एक्सपेक्टेड कि शालिमा पेंट्स एंड इवन नेरोलैक जो है वो सारे पेंट्स के स्टॉक्स नीचे जाएंगे। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इंडिगो पेंट्स को देख लेते हैं सो हमें ये भी थोड़ा सा प्रेशर के अंदर देखने मिल रहा है। सो ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट के अंदर सारे पेंट स्टॉक्स हमें प्रेशर में देखने मिल रहे हैं। अभी एक्सपेक्टेड था कि एशियन पेंट्स अगर नीचे जाएगा सो बाकी सारे पेंट सेक्टर को फायदा होगा, बट पूरे पेंट सेक्टर के अंदर ही बिकवाली चल रही है। सो ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, आपने क्या एक्सपेक्ट किया था मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर मैं यहाँ पर कह दूँ कि मैंने तो कहा ही था एशियन पेंट्स के साथ साथ सारे स्टॉक्स नीचे जाएंगे, सो वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। यहाँ पर हमने कल कोई वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन हमने टेलीग्राम चैनल पर बहुत बातें की थी। सो अगर आप टेलीग्राम पर नहीं हो आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर रहे हो, बिकॉज लोगों के ऐसे अच्छे अच्छे ओपिनियंस आते हैं जिसके कारण आपको आने वाले टाइम में अपने ट्रेड्स एंड अपने इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा अच्छी बातें मिलेगी। अभी हम जो रेगुलर मास्टरमाइंड टाइप है वो फिजिकल मास्टरमाइंड कंडक्ट करने का सोच रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल तो हम थोड़ा टेलीग्राम पर फोकस करेंगे, ऑनलाइन ही जब तक है कोविड का टाइम। फिर बाद में जब हमारा थोड़ा सा बेस बढ़ जाएगा एंड ग्रुप भी बढ़ जाएगा वी विल कंडक्ट फिजिकल मास्टरमाइंड। यू कैन अंटिल देन गो एंड चेक आउट आवर टेलीग्राम वेर यू विल गेट विजनरी पीपल एंड वेर यू विल गेट एडवाइजर्स फॉर फ्री। दे विल जस्ट गिव देयर ओपिनियन, ड्रॉप देयर ओपिनियन, एंड जब भी मैं भी फ्री रहूंगा मैं भी वहां पर अपने ओपिनियंस ड्रॉप करता हूँ। आई डोंट थिंक कि आज तक अभी तक जितने भी टेलीग्राम में 200 जितने मेंबर्स है उसके उनमें से किसी एक का भी क्वेश्चन मिस हुआ हो, एंड अगर मिस हुआ होता है सो वो वहां पर जो है रीडायरेक्ट कर देते हैं, सो तभी मैं आंसर कर देता हूँ जो आपको वो भी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एंड एक और एक चैनल है न्यूज़ वाला करके, उसके अंदर आपको सिर्फ न्यूज़ मिलेगी एंड अपडेट्स मिलेगी, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड no spam messages, no spam this YouTube videos, whatever it is, there is nothing, it is all clean, you can just join there and get the benefit out of it. Jai Hind, Jai Bharat,
वी विल बी मीटिंग इन आर नेक्स्ट वीडियो, और फिर बाद में हम इसके अंदर और डिस्कशन करेंगे। एक लास्ट पॉइंट आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप वीडियो में एंड तक बने हुए हो तो, अगर आप देखो सो ये जो भी पेंट्स के स्टॉक है, आपको सब पेंट्स के स्टॉक के अंदर एक महीने से गिरावट दिख रही है, जिसका एक रीज़न मुझे अभी दिखा जो है इसके इंडिगो पेंट्स को जब मैं अभी एनालाइज कर रहा था आपके सामने, तब मुझे दिखा कि इसका जो क्रूड का प्राइस है ना, अगर आप देखो सो क्रूड का प्राइस ऑल टाइम हाई पर बैठा है, बहुत लंबी अपसाइड आई है क्रूड के प्राइस में, 5-10% एक दिन तक भाग रहा था वो। अगर आपने क्रूड के कमोडिटी के अंदर भी अगर आप ट्रेड करते हो या फिर एटलीस्ट आप उसको एनालाइज भी करते हो, सो आपको पता होगा क्रूड के प्राइस बढ़ने के कारण ये सब शेयर्स गिर रहे हैं। एंड अभी अगर क्रूड का प्राइस कंट्रोल में जरा सा भी आ जाता है, सो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मी बोजा पेंट्स एंड इंडिगो पेंट्स विल डेफिनेटली राइज अप, शालिमा पेंट्स एंड नेरोलैक विल फॉलो देम अप, एशियन पेंट्स में प्रेशर जारी होते हुए देखने मिल सकता है। जय हिंद, जय भारत। Do consider joining our Telegram channel. Link is given in the description.